शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह राठौर के नेतृत्व में मुरादाबाद जनपद के केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध वसूली व मानसिक उत्पीड़न एवं मनमानी पर रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। फोटो अच्छा आएगा एक साथ उपभोक्ताओं से अवैध वसूली, उपभोक्ताओं से अवैध वसूली। साथ ही चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण बंद करने तथा अवैध वसूली पर लगाम लगाने एवं राजस्व को पहुंचाई गई क्षति की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराए जाने की मांग की। लोक जनशक्ति पार्टी जनपद मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा जा रहा है जो केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है और उपभोक्ताओं का मानसिक उत्पीड़न व मनमानी पर रोक लगाने के संबंध में ये ज्ञापन हम डीएम साहब को सौंप रहे हैं। जो केबल ऑपरेटर द्वारा कोई उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की रसीद नहीं दी जाती है जो कि 250 से 300 रुपये तक उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे हैं, जबकि हमारे संज्ञान में आया है 127 रुपये प्लस 23 रुपये 150 रुपये होते हैं उनके मई जीएसटी के, उतना सरकार को दिखा रहे हैं। लगभग सरकार को 20 लाख रुपए महीने का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की भी रसीद नहीं दी जाती है। हमारी मांग है कम से कम 100 रुपए उपभोक्ताओं से वसूल किया जाए और 100 रुपए की भी रसीद दी जाए। हम ये चाहते हैं उपभोक्ताओं से जो अवैध वसूली हो रही है उसको बंद किया जाए। जो ऑपरेटर केबल ऑपरेटर हैं नए सेटअप बॉक्स हर 15 दिन बाद आ जाते हैं उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए। ये 400 रुपये में है, ये 600 रुपये में है, आप इसको लगवा लीजिए, इसमें चैनल ज़्यादा दिखाई देंगे। कोई चैनल ज़्यादा नहीं दिखाई देता, उपभोक्ता को ठगा जाता है और उसमें कि उपभोक्ताओं को ठग करके उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि वसूली बंद हो जाए और वो सेटअप बॉक्स के नाम पर उसको गुमराह ना किया जाए। जो सेटअप बॉक्स चल रहा है पहले 1500 से 2000 रुपये तक दिया, कोई रसीद नहीं दी गई, अब 400 का 500 का दे रहे हैं उसकी कोई रसीद नहीं दे रहे हैं, लेकिन बराबर उपभोक्ताओं को बोल कर दिया जा रहा है। हमारी यही मांग है जिलाधिकारी मोदी जी से कि इसको बंद करा जाए और ऐसे केबल ऑपरेटर पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई करके उनका तुरंत बंद कराया जाए। इस मौके पर उदय ठाकुर, शक्ति ठाकुर, तुषार कश्यप, शीतल सिंह यादव, सचिन आदि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।